हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा एडवर्ब से रिलेटेड कुछ बेस्ट स्पॉटिंग के क्वेश्चंस, जो कि सभी एसएससी, बैंकिंग और दूसरे सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में कॉमनली पूछे जाते हैं। और बार बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में। इन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को आपको करना होता है। देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ से आप देख सकते हैं, अ मैन ऑफ 50 कैन नॉट बी कॉल्ड एज यंग। अब देखिए, इस तरह के सेंटेंसेस में यहाँ पर हम एज का प्रयोग नहीं करेंगे। ए मैन ऑफ 50, देखिए यहाँ तक सही है। स्पॉटिंग के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको पार्ट बाई पार्ट आपको करना होता है, ये सही तरीका है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, अ मैन ऑफ 50 ये सही है, कैन नॉट बी ये सही है, कॉल्ड सही है, कैन नॉट बी कॉल्ड यंग। देखिए, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम एज लगाते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम एज नहीं लगाते हैं। तो किसी व्यक्ति को यदि हम यंग बोल रहे हैं या यंग नहीं बोल रहे हैं, तो यंग की तरह उसको हम नहीं बोल रहे हैं, या तो उसको हम यंग बोल रहे हैं या यंग नहीं बोल रहे हैं, तो इसको हम एज नहीं लगाएंगे। यहाँ पर एज का कोई यहाँ पर सेंस नहीं है। अ मैन ऑफ 50 कैन नॉट बी कॉल्ड यंग। ठीक है, यदि आप एज लगाना चाहते हैं तो एज यंग, एज यंग एज हिम, इस तरीके से जब आप कंपैरिजन करेंगे तब तो आप एज लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एज एक्चुअली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है या आउट ऑफ प्लेस है। अ मैन ऑफ 50 कैन नॉट बी कॉल्ड यंग, मतलब एक 50 साल का एक व्यक्ति, उसको हम यंग नहीं बोल सकते। ही इज निगाद एंड सेव्स मोस्ट ऑफ द मनी ही अर्न। देखिए, एक वर्ड होता है माइजर, एक होता है निगार्ड, एक होता है स्कॉलर, एक होता है कॉवर्ड। ठीक है, इन सभी के लिए देखिए, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखिए, निगार्ड एक्चुअली क्या है, एक नाउन है। ठीक है, निगार्डली एडजेक्टिव है, निगार्डली, और इन ए निगार्डली मैनर, ये है आपका एडवर्ब। तो इन तीन चार वर्ड्स को आप याद रखिए, एक होता है निगार्ड, एक होता है माइजर, एक होता है स्कॉलर और एक होता है कॉवर्ड। तो सभी के लिए सेम रूल है। अब निगार्ड जो है ये है एक्चुअली नाउन। ठीक है, ही इज निगार्ड, तो चूंकि ये नाउन है इसलिए इसके पहले यहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर ही इज ए निगार्ड। यदि आप मैन के साथ इसको लगा रहे हैं, मैन जो कि एक नाउन है, तो फिर आप इसको बोलेंगे निगार्डली, क्योंकि निगार्डली एक एडजेक्टिव है और नाउन के साथ आप एडजेक्टिव लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एरर क्या है, यहाँ पर एरर है ए पार्ट में। यहाँ पर आपको ए लगाना पड़ेगा निगार्ड से पहले, क्योंकि निगार्ड एक नाउन है। उसी तरीके से माइजर एक नाउन है और कॉवर्ड एक नाउन है। इनमें आप एलवाई लगा देंगे तो ये एडजेक्टिव बनेंगे, ना कि एडवर्ब। ठीक है, और एडवर्ब अगर बनाना है तो इन्हें निगार्डली मैनर, इन्हें माइजरली मैनर, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ए इसमें आपका सही आंसर होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन देखते हैं। आई एम फुल ऑफ एनर्जी टुडे बिकॉज आई साउंडली स्लेप्ट लास्ट नाइट। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये भी एडवर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है। आई एम फुल ऑफ एनर्जी टुडे, यहाँ तक ये सेंटेंस सही है। बिकॉज आई, ये भी सही है। साउंडली स्लेप्ट, देखिए साउंडली का मतलब क्या है कि गहरी नींद में। तो इसके थ्रू हम एक तरीका बता रहे हैं, एक मैनर बता रहे हैं। तो मैनर, प्लेस और टाइम के जो एडवर्ब होते हैं उनको हम वर्ब के बाद लगाते हैं। इसकी पोजीशन यहाँ पर होगी। ठीक है, मैनर, प्लेस और टाइम के जो एडवर्ब होते हैं उनको हम वर्ब के बाद लगाते हैं, और फ्रिक्वेंसी के और क्वांटिटी के जो एडवर्ब होते हैं उनको वर्ब से पहले लगाते हैं। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, इससे हम तरीका बता रहे हैं, सोने का तरीका। तो इसलिए इसको हम वर्ब के बाद लगाएंगे यहाँ पर, यानी ये साउंडली स्लैप्ड ना होते हुए ये स्लैप्ड साउंडली इसको हम पढ़ेंगे, और सी इसमें आपका सही आंसर होगा। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, आई हैव नेवर सीन अ कॉवर्ड मैन। अब देखिए, यहाँ पर हम मैन एक नाउन है, तो नाउन को हम मॉडिफाई करेंगे एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव कॉवर्ड का होता है कॉवर्डली, ना कि कॉवर्ड। कॉवर्ड नाउन है, तो इसलिए बी इसमें सही आंसर होगा। यहाँ पर इसको हम कॉवर्डली बोलेंगे। आई रिफ्यूज टू अकम्पनी हिम बिकॉज ही वॉज सो बोरिंग। अब देखिए, मैंने उसको अपने साथ ले जाने से मना कर दिया क्योंकि वो थोड़ा सा बोरिंग है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखने में बिल्कुल सही लगता है, लेकिन ग्रामर के हिसाब से देखिए सो का प्रयोग इसमें गलत है। सो इसमें हम एब्सोल्यूट सेंस में कर रहे हैं। सो का प्रयोग हम तब कर सकते हैं जब सो के साथ कुछ एडजेक्टिव लगाएं, जैसे ही इज सो बोरिंग दैट यू कैन नॉट टॉलीरेट हिम, इस तरीके से। लेकिन एब्सोल्यूट सेंस में यहाँ पर सो का प्रयोग हम नहीं करेंगे, यहाँ पर हम वेरी का प्रयोग करेंगे इसमें।
आई रिफ्यूज टू एकम्पनी हिम बिकॉज ही वॉज वेरी बोरिंग. तो सी इसमें आपका सही आंसर होगा. शी डिनाइड दैट सी हैडन्ट डन एनीथिंग रॉन्ग ड्यूरिंग द फाइनल शो. फाइनल शो के दौरान उसने कोई भी गलती की थी ऐसा उसने डिनाई किया है. देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डिनाई का मतलब होता है मना करना, यानी ये एक नेगेटिव वर्ड है डिनाई. जिस तरीके से फॉरबिड एक नेगेटिव वर्ड है, उसी तरीके से डिनाई एक नेगेटिव वर्ड है. और डिनाई के साथ यहाँ पर हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी इसमें बी पार्ट में आपकी गलती मानी जाएगी. ये जो पार्ट है ये आपका गलत इसमें माना जाएगा. शी डिनाइड दैट शी हैड डन एनीथिंग रॉन्ग. उसने कुछ गलत किया था, इस चीज़ को उसने डिनाई किया. ये बी इसमें आपका सही आंसर होगा. आगे हम देखते हैं, वी शुड कीप आर बिलोंगिंग्स ऑर्डरली. देखिए यहाँ पर हम कीप के साथ, कीप क्या है, कीप एक वर्ब है, तो वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे, एडवर्ब लगाएंगे. लेकिन ऑर्डरली क्या है, एडजेक्टिव है. जैसे ऑर्डरली मैनर, ठीक है, तो कीप के साथ यहाँ पर आपको एडवर्ब चाहिए, तो आप बोलेंगे यहाँ पर इन एन ऑर्डरली मैनर. वी शुड कीप आर बिलोंगिंग्स इन एन ऑर्डरली मैनर. तो इस तरीके से ऑर्डरली इसमें एडजेक्टिव है, एडवर्ब की जरूरत है यहां पर, तो इसलिए एडवर्ब आप लगाएंगे ना कि एडजेक्टिव. शी डिड हर जॉब एज बेटर एज शी कुड. शी डिड हर जॉब, देखिए यहां पर तो यहां तक तो ये सही है, लेकिन एज और एज के बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री को हम लगाते हैं. ये तो कंपैरेटिव डिग्री है, इसकी पॉजिटिव डिग्री को हम यहाँ पर लगाएंगे. वेल लगा सकते हैं या गुड लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वेल आएगा इसमें क्योंकि डिड वर्ब है, तो वर्ब के साथ हम यहाँ पर एडवर्ब लगाएंगे यहाँ पर. तो बी इसमें आपका सही आंसर होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड हिज ब्रदर एज ऑफिसर इन चार्ज ऑन एन एडहॉक बेसिस. देखिए जब आप किसी व्यक्ति को अपॉइंट करते हैं तो उसको आप एज ए प्रिंसिपल, एज ए सेक्रेटरी आप अपॉइंट नहीं करते हैं. प्रिंसिपल या सेक्रेटरी की तरह अपॉइंट नहीं करते हैं, प्रिंसिपल ही अपॉइंट करते हैं. किसी व्यक्ति को आप प्रिंसिपल अपॉइंट करते हैं, सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं, एमडी अपॉइंट करते हैं, उसकी तरह अपॉइंट नहीं करते हैं. तो इसलिए अपॉइंटेड के बाद ये एज का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, अपॉइंटेड वर्ड के साथ एज वर्ड नहीं आएगा. तो बी इसमें सही आंसर आपका होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं, ग्रेट लीडर्स ट्राई टू इरेडिकेट सोशल इविल प्रैक्टिसेस विद टूथ एंड नेल. टूथ एंड नेल का मतलब होता है पूरी ताकत के साथ किसी चीज़ को करना. टूथ एंड नेल ये एक इडियम है, ये एक मुहावरा है, लेकिन इस मुहावरे के साथ यहाँ पर हम प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है. मुहावरे के साथ हम प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे. मुहावरे जैसे होते हैं वैसे ही एज इट इज़ फॉर्म में हम उनको यूज़ करते हैं. तो सी इसमें आपका सही आंसर होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं, ड्यूरिंग माई लास्ट वैकेशन इन शिमला इट रेन्ड. देखिए इसमें भी वही सेम गलती की है कि इट रेन्ड लाइक कैट्स एंड डॉग. कैट्स एंड डॉग की तरह बरसना, मतलब बहुत तेज़ी से पानी बरसना, लेकिन लाइक कैट्स एंड डॉग्स हम नहीं बोलेंगे. इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग, क्योंकि कैट्स एंड डॉग का मतलब होता है हैवीली. इट रेन्ड हैवीली, यानी लाइक का प्रयोग हम इसमें नहीं करेंगे. ये जो लाइक है इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, ये एक्स्ट्रा है. यानी बी इसमें आपका सही आंसर होगा. चलिए आगे देखते हैं, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू टॉक लाउडली. टीचर ने स्टूडेंट से बोला कि वो तेज आवाज में बोले, चिल्ला के बोले, शोर करे. क्या ये सही होगा? लाउडली का मतलब होता है चिल्ला के बोलना, तेज बोलना, शोर करना, जबकि सही वर्ड यहाँ पर होना चाहिए अलाउड, क्योंकि अलाउड का मतलब होता है ऑडिबल तरीके से बोलना. द टीचर आस्क द स्टूडेंट टू टॉक लाउडली, नहीं, लाउडली नेगेटिव वर्ड है. अलाउड यहाँ पर आप बोल सकते हैं, ALOUD. तो ये जो वर्ड है ये यहाँ पर गलत सेंस आपका दे रहा है. बी इसमें आपका सही आंसर होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं, दो ही वॉज ब्रेव. हालांकि वो ब्रेव था, ही कुड नॉट फेस अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ मैनली. देखिए इसमें भी वही सेम गलती है जो मैंने काफ़ी बार बताई है. मैनली होता है एडजेक्टिव, मैनली मैनर्स, जिसका मतलब होता है एक मर्दानी तरीके से, अच्छे तरीके से, या एक, ठीक है, मैनली.
तो लेकिन यहां पर क्या चाहिए, यहां पर आपको ही कुड नॉट फेस, फेस क्या है, वर्ब है, तो वर्ब को मॉडिफाई क्या करेगा, एडवर्ब, जबकि मेनली तो एडजेक्टिव है, मेनली बिहेवियर, एक अच्छा बिहेवियर, ठीक है। तो यहां पर आप मैनफुली बोल सकते हैं, मैनफुली, जो कि एडवर्ब होगा, ठीक है। तो सी इसमें आपका सही आंसर होगा। वी सेल्डम और एवर गो आउट दीज डेज बिकॉज इट इज टू हॉट नाउ अ डेज, ठीक है। देखिए यहां पर सेल्डम क्या है, एक सेमी नेगेटिव वर्ड है, और सेमी नेगेटिव वर्ड को हम नेगेटिव वर्ड के साथ और के साथ जोड़ सकते हैं, मतलब और के साथ हम ऐसे वर्ड्स को जोड़ते हैं जो आपस में लगभग सेम हैं, ठीक है। सेल्डम और एवर आपस में लगभग सेम नहीं है, क्योंकि एवर का मतलब होता है कभी, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार। तो सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, यानी 1%, और नेवर का मतलब होता है 0%। तो 1% और 0% ये आपस ऑलमोस्ट बराबर की वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए हम सेल्डम और नेवर बोल सकते हैं, सेल्डम और एवर नहीं बोल सकते, लेकिन सेल्डम इफ एवर बोल सकते हैं। तो यहां पर हम नेवर बोलेंगे, सेल्डम और नेवर, इसको यहां पर ए इसमें सही आंसर आपका होगा। वी मस्ट ट्राई टू सेव आर हार्डली अर्न मनी, हमारा जो पैसा होता है हम उसको हार्ड अर्न मनी कहते हैं, हार्ड अर्न मनी, मेहनत से कमाया हुआ पैसा, हार्डली नहीं बोलेंगे, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। तो सी इसमें आपका सही आंसर होगा। तो ये कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स में कॉमनली पूछे जाते हैं, एडवर्ब के ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और फोर्थ कमिंग जितने भी एग्जाम्स हैं, CHSL है, CPO है, CGL है, उन सभी के लिए क्वेश्चंस हाईली यूजफुल रहेंगे। और इस सीरीज़ में मैं बेस्ट क्वेश्चंस एडवर्ब के, प्रपोजिशन के, कंजंक्शन के, नाउन प्रोनाउन के, ये सारे आपको करवाऊंगा, और डेफिनेटली इससे बहुत कॉन्फिडेंस आपको आएगा। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।